नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से पिछले दो दिनों से दुकानों के बाहर फुटपाथ पर अवैध कब्जा, फेरी वाले और सड़क पर खड़ी हाथ गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। इन फेरी वाले, हाथ गाड़ी वालों और जो दुकानदार फुटपाथ पर भी कब्जा करते हैं, जिस वजह से लोगों को चलने में दिक्कत होती है और शहर में यातायात की तकलीफ काफी बढ़ जाती है। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही प्रभाग समिति 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत की गई है, जिसमें मनपा उपायुक्त मदन सोंडे, अतिक्रमण विभाग के गणेश शिम्पी, प्रभाग समिति 1 और 2 के सहायक आयुक्त भगवान कुमावत, प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त अजीत गवेरी, बीट मुकादम श्याम सिंह, दिलीप बोयर, आत्माराम सोनावने और अन्य महापालिका के अधिकारी भी शामिल थे, जिनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी था। ये गरीब हम कहाँ से देंगे? हमने सबको जिताया इसके लिए कि हमारा नुकसान करे, हमारा गरीब बन कर, हमारी रोजी रोटी ये है, हम यही धंधा करके हमारे पेट पालते हैं, हमारे बच्चे पालते हैं, हमारे को सर्विस दे कूदे, हमारे पीछे कितने बच्चे, 4-4, 5-5 बच्चे, हम कहाँ जाए? ये रोड पे सब को हम धंधा लगा के हमारे बच्चों को पालते हैं, किसका हराम का लेते नहीं है, किसका लूटपाट नहीं करते, हमको गलत काम नहीं करते, हम मेहनत करते रात दिन, रात को 2-2, 3-3 बजे हम खाना खाते हैं, दिन में नहीं खाते, गरीब का ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसे बड़े लोग बनते हैं, गरीब का नुकसान करेगा, बड़े लोग का भी बच्चे सर बर्बाद हो गए, उनका भी रस्ते पे आएगा, क्या हमारे गरीब की बदुआ है, हट तो जिताता है गरीब। शुक्रवार के दिन नेहरू चौक से गोल मैदान, शरद फाटक रोड, उल्लासनगर 4 ओटी सेक्शन, मेन बाजार, वीनस चौक, नेताजी चौक, उल्लासनगर 5 के दूध नाका, कैलाश कॉलोनी तक की गई। ऐसी कार्रवाई मनपा पहले भी करती आई है, पर मनपा अधिकारियों की तरफ से इस बार जो रास्ते पर हाथ गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जो चाइनीज की गाड़ियां हैं उन पर मनपा के हथौड़े बल से और JCB की मदद से इन हाथ गाड़ियों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। साहेब गोवारी साहेब, मी स्वतः, आम्ही आज नेहरू चौक परिसर, नेहरू चौक ते गोल मैदान, शाड परिसर, आम्ही येथील फुटपाथवर असणाऱ्या दुकानदार व तसेच दुकानदारांचे बहुतेक बरेचसे आम्ही सामान जप्त केलं, तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या हातगाड्या वगैरे यांच्यावरसुद्धा आम्ही आज निष्कासन कारवाई आज आमची पोलीस बंदोबस्त आम्ही घेऊन करण्यात आली आहे। यापुढे आम्ही अशीच कारवाई करत राहणार आहोत आणि पोलीस बंदोबस्त घेऊन आम्ही पोलीस बंदोबस्त घेऊन आम्ही यापुढे अशीच कारवाई करत राहणार। एकंदरीत असं काय हे नाही करता, आम्ही पण एकंदरीत 5-10-12 हातगाड्यावर आम्ही कारवाई केली। उल्हासनगर शहरात विविध ठिकाणी जे मुख्य रस्ते आहेत आणि पदपद आहेत ते अडवून त्या ठिकाणी फेरीवाले व्यवसाय करतात, जे ना फेरीवाला क्षेत्र महापालिकेने घोषित केलेले आहे त्या ठिकाणी कुठल्याही फेरीवाल्याला व्यवसाय करता येत नाही। तथापि असे असतानाही सदर ठिकाणी व्यवसाय होत असल्याचे निदर्शनास आले। सदर फेरीवाल्यांना आम्ही वारंवार वॉर्निंग देऊन सूचना देऊन त्या ठिकाणी व्यवसाय न करण्यासाठी यापूर्वी सांगितले होते, तथापि ते ऐकत नाहीत कोणाची। तर आज सकाळी माननीय आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख साहेब आणि उपायुक्त सोंडे साहेब यांनी अशा फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि पदपथ आणि रस्ते मोकळे कसे राहतील या दृष्टीने कारवाई करण्यासाठी सांगितलं आहे। त्या दृष्टीने आज उल्हासनगर शहरात कॅम्प नंबर 1 ते 5 विविध ठिकाणी सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत धडक कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि यापुढेही देखील कारवाई चालू राहील। Thank you.
ज्या हातगाड्या यापूर्वी आम्ही कारवाई केली होती आणि त्यांना दंड देऊन परत केले होते आणि त्या ठिकाणी व्यवसाय न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, तरी देखील हातगाड्या परत परत त्याच ठिकाणी लावून लोकांना त्रास देत येणाऱ्या लोकांना त्रास देत होता, त्या हातगाड्या परत दिल्याने ते लोक परत त्याच ठिकाणी यायचे, त्यामुळे त्या हातगाड्या आहेत त्या पूर्णपणे तोडण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे. अशा ठिकाणी 15 हातगाड्या जवळपास आज जप्त करून निष्कासित करण्यात आलेले आहे. हा ही कारवाई नियमितपणे चालू राहील. शनिवार के दिन उल्लासनगर स्टेशन के पास संजय गांधी नगर में बने अवैध झोपड़े और मच्छी मार्केट भी वहां से हटाया गया. मनपा के अधिकारियों की माने तो मनपा की तरफ से ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी. कुठला मुका था? हा बोला संतोष टोपी. स्टेशनच्या बाहेर महानगरपालिकेचा भूखंड आहे. सदर भूखंडावर अनधिकृतपणे झोपड्या बांधल्या होत्या, दुकानं बांधले होते, अनधिकृतपणे बाजार मांडण्यात आला होता. आज पोलीस बंदोबस्त घेऊन मान्य आयुक्त यांच्या आदेशान्वये या सर्वांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. सुमारे 50 झोपड्या, 20 दुकानं आणि 8 ते 10 टपऱ्या पूर्णपणे निष्कासित करण्यात आलेल्या आहेत. उल्लास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राइब करें, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाईल पर.